दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। वर्तमान समय में इंसान सभी दूसरे जीवों की तुलना में अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्राणी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था और ना ही हमेशा ऐसा रहेगा। जब इंसान इस ग्रह पर नहीं जन्मे थे तब भी समय का पहिया चलता था, और जब भविष्य में इंसान नहीं रहेंगे तब भी यह पहिया चलता ही रहेगा। वास्तव में हम इंसानों की बुद्धि ने इस प्रकृति को कुछ नहीं दिया है, बल्कि हमने इस प्रकृति से कुछ ना कुछ लिया ही है। हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का खामियाजा अन्य सभी प्राणियों को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप सोचो, अगर किसी दिन दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाए और सिर्फ आप अकेले जिंदा इंसान बचे तो क्या होगा? आइए साथ मिलकर कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो यह उस आखिरी व्यक्ति के लिए बहुत ही भयानक समय होगा। अगर आप अकेले इस दुनिया में रह जाएं तो सबसे पहले आपके पास यह जानने का कोई भी तरीका नहीं होगा कि आप वास्तव में अकेले हैं या नहीं। निश्चित तौर पर आप अपने जैसे किसी दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए हर रोज कई सौ किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सड़कों पर आपको गाड़ियों का मेला लगा मिलेगा, लेकिन आपको उन गाड़ियों में कोई भी नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी महंगी और लग्जरी गाड़ी को अपने मन मुताबिक चाहे जिस रोड पर किसी भी स्पीड में दौड़ा सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए या उसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप उस गाड़ी को छोड़कर किसी दूसरी अपनी मनपसंद गाड़ी को या बाइक को ले सकते हैं। जाहिर तौर पर आप इस दुनिया के राजा होंगे, लेकिन अफसोस, आपके राजसी ठाठ देखने वाला कोई भी नहीं होगा। वैसे आपको दूसरे इंसानों की तलाश में ज्यादा दूर निकलने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए किसी हथियार खानी की तलाश करनी चाहिए। वहां से आप किसी बंदूक या राइफल जैसे हथियार को ले सकते हैं। आपको ये हमेशा अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि शहरों से इंसानों का राज खत्म होने के कारण शहरों में खतरनाक जंगली जानवरों का राज कायम हो सकता है। चिड़ियाघरों की पर्याप्त देखरेख ना होने की वजह से वहां कैद खतरनाक जानवर बाहर निकलकर शहरों में आ जाएंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर आपको अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत होगी, क्योंकि आप बिना हथियारों के खतरनाक जानवरों से नहीं लड़ पाएंगे। एक और काम जो आपको सबसे पहले करना चाहिए वह यह है कि आपको तुरंत शिमला या मैसूर जैसे किसी शहर की ओर रवाना होना चाहिए जो पहाड़ों पर बसे हों, क्योंकि इंसान के नियंत्रण के बिना हमारे द्वारा नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े बांध टूट जाएंगे, जिससे मैदानी इलाकों में बेहद खतरनाक बाढ़ आ सकती है। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए आपको पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंसान बिजली पर पूरी तरह से आश्रित है और बिजली के जन्मदाता भी हम ही हैं। लेकिन किसी अकेले इंसान द्वारा बिजली के प्लांटों को संभालना नामुमकिन है, इसलिए धीरे धीरे पृथ्वी से बिजली जाने लगेगी और लगभग पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिजली यंत्रों की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो जनरेटर और सोलर पैनल की मदद से आप अपने लिए कई सालों तक बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं। पृथ्वी से इंसान गायब होने के बाद शुरुआत में आपको कई सालों तक खाने की भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर शहर में मौजूद बड़े बड़े मॉल आपके लिए खाने से भरे होंगे। आप जब चाहे अपनी मर्जी का सामान उठाकर खा सकते हैं, या फिर आप अपने मन चाहे महंगे कपड़े या महंगे महंगे गहने ले सकते हैं जिनके कभी आप सपने देखा करते थे, क्योंकि आज आपको इनके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप पृथ्वी पर इनके इकलौते मालिक होंगे, लेकिन अब आपके महंगे कपड़े और ज्वेलरी देखकर आपकी तारीफ करने वाला कोई इंसान आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए हो सकता है आपका यह शौक भी गायब हो जाए। दोस्तों, भले ही आप इस दुनिया के राजा हों, हर एक सुख सुविधा आपके कदमों में हो, लेकिन एक अकेले इंसान के लिए जिंदगी जीना कठिन होगा। अगर आप अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को ना खोज पाए तो आप किसी के साथ अपनी खुशियां या दुख को नहीं बांट पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे। आपको इंसानों में रहने की आदत होगी और अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएंगे तो आपके दिमाग पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी अकेलेपन से इंसान पागल भी हो जाता है। इस पूरी दुनिया में किसी एक अकेले इंसान का जीना शायद संभव ही नहीं है। हो सकता है अकेलेपन से तंग आकर आपकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अगर आप पुरुष हैं तो बेहतर होगा कि आपको कोई महिला साथी मिल जाए, और अगर आप कोई महिला हैं तो आपको पुरुष साथी। इससे आप आगे अपना परिवार बनाकर इंसानी जीवन को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, और एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक साथी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की भोजन और पानी की होती है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में अकेले रह ही गए हैं तो आपके लिए समय बिताने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि आप वर्ल्ड टूर पर निकल जाएं और पूरी दुनिया की सैर करें। अगर आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता तो आप समुद्री जहाजों या गाड़ियों की सहायता से पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं।
पूरी दुनिया के जिस शहर या जिस देश में आप जाना चाहे वहां आप आराम से जा सकते हैं। इंसानों के ना रहने से आपको पूरी दुनिया में ढेरों परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। जो जानवर इंसानों पर निर्भर थे वे इंसानों के ना रहने से उन्हें अपना भोजन जुटाने में बहुत मुश्किल होगी। इस वजह से वे धीरे धीरे मरने लगेंगे। जितने भी सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं वो बगैर इंसानों के धीरे धीरे खराब होकर नीचे गिरने लगेंगे। कुछ अच्छे काम जो इंसानों के ना रहने की वजह से होंगे वह यह होंगे कि जितना भी प्रदूषण या रेडिएशन हमने फैला रखा है वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और साल दर साल धीरे धीरे धरती पर हरियाली बढ़ने लगेगी और ज्यादा बारिश होने लगेगी, जिससे दुनिया के तमाम शहर और गांव धीरे धीरे जंगल में तब्दील होते जाएंगे। यह बदला हुआ माहौल जानवरों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और लगभग सभी जीवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ जो भी मानव निर्मित वस्तुएं जिन्हें आप अब तक काम में ले रहे थे वह सब खराब हो जाएंगी। शायद कुछ दशकों के बाद ना तो आप घूम पाएंगे और ना ही गाड़ियां चला पाएंगे, क्योंकि सभी गाड़ियां या जनरेटरों के इंजन बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आपका साथ निभाने के लिए कोई साथी मिल जाता है तो ठीक है, वरना एक अकेले इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अकेलापन अब आपकी जिंदगी को बोझ बना देगा, जिसे आप ढो तो सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। तो अब आप अकेले बैठकर सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी जिंदगी बोरिंग ना हो और आप खुशी खुशी अकेले पूरी पृथ्वी पर जीवन यापन कर सके। तो प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस दुनिया में अकेले रहना चाहेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।